Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की रहमत बिना। उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदर हम सबके बीच नहीं होता। आज अगर हैदर मेरे साथ है तो वो गजल के अब्बू की मेहरबानी है। अब तो गजल की हर मुसीबत से हिफाजत करना और भी ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बन गई है। क्यों छोड़कर चले गए अब्बू, क्यों? बचपन से अम्मी के बिना गुजारा करना तो सीख लिया था मैंने, लेकिन आपके बिना तो जीना नहीं सीखा अब्बू। अब्बू मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन मुझे भी डर लगता है, मुझे भी रोना आता है। नहीं, मैं आंसुओं में बैठकर आपका सर शर्म से नहीं छुपने दूंगी अब्बू, क्योंकि मैं खुद के लिए काफी हूं। कहाँ खो गई? क्या हो गया? सब ठीक है? वो आपने इतनी खूबसूरत सजावट की है ना मेरे लिए। ये मैंने नहीं सजाया, ये पूरा प्लान रुमान का था। तुम तो अच्छी तरह जानती हो दुआ, इन सारी चीजों में ना तो मेरी समझ है ना इन सारी चीजों में मेरी दिलचस्पी, और ये सजावट पूरी तरह से रुमान ने की है इस दिन को और खास बनाने के लिए। आज उस लड़की की वजह से जो पूरा दिन खराब हुआ है, सबके सामने जो तुम्हें तोहफा देना चाह रहा था वो दे नहीं पाया, वो अब दूंगा। खुद ही लगा लो। मुझे लगा आप पहनेंगे। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, अगर इस हीरे को मैं पेंडेंट में लगाने की कोशिश भी करूंगा तो आज ही जिंदगी गुजर जाएगी, और ये हुकूक मुझे लगता ही नहीं है। तुम खुद कर लो ना, और वैसे भी कल सुबह जल्दी जाना है मुझे, ठीक है? Ah!
फोन उठाओ। अब क्यों फोन उठाएगी वो? मकसद तो सॉल्व हो गया ना उसका। ये बात तुम्हें नहीं समझ आ रही मगर मुझे अच्छी तरह समझ आता है। कसल फोन उठाओ। मैंने कहा ना फोन दो इधर। जब मैंने कहा उससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी है, समझे तुम? अगर मेरा फोन, मैंने कहा फोन नहीं करोगी तुम, समझ रही हो तुम? तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही। या अल्लाह। दुआ। लोरी दूध की कटोरी दूध में बताशा अब होगा बड़ा तमाशा। खुदा खैर करे, ये देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं नसीब हो गई? इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ? आपकी जो मर्जी आप मुझसे कहिए अम्मी, लेकिन आज इस घर में जो आपके पोते ने किया है ना, उससे हम सबका सर शम से झुक गया है। बहुत सीना ठोक कर कहती थी ना आप कि हमारे घर के मर्द अपनी औरतों की इज्जत करने से नहीं चूकते, लेकिन आज इसी घर का बेटा अपनी बीवी के साथ मारपीट करने पर उतर आया है। खबरदार, अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक भी गलत हर्फ अपने मुंह से निकाला तो। हैदर दुआ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। हैदर ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी परवरिश को शर्मिंदा होना पड़े। मेरी आंखों देखी पर आपको भले ही यकीन ना हो बाजी, अपनी आंखों देखी पर तो यकीन करेंगी ना? चलिए मेरे साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।